देश में और कोई भी व्हीकल देश में रेड लाइट नहीं कैरी कर पाएगा। चाहे कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे कितने ही अधिकार हो, असल ठसक तो लाल बत्ती की ही होती है, जो कि मोदी सरकार ने 1 मई 2019 को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स 1989 में बदलाव लाके मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस से छीन ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का मानना है कि भारत जैसा देश में जहां डेमोक्रेसी है, वहां ऐसे लाल बत्ती से वीआईपी ट्रीटमेंट की कोई जगह नहीं है। तमाम मंत्री जनता के सेवक हैं, लेकिन ये लाल बत्ती पावर और स्टेटस का सिंबल बन गई थी, इसलिए सरकार ने इसको हटा दिया। हालांकि सरकार ने विधायक की गाड़ी के पहचान के लिए विधानसभा का स्टिकर दिया था, मगर उसमें वो बात कहां जो लाल बत्ती में थी। कुछ विधायकों को ये बात पसंद ही नहीं आई। उनका कहना था कि ऐसे तो कोई हमें पहचान ही नहीं पाएगा, इसलिए उन्होंने गुजारिश की कि हमें हमारा वीआईपी ट्रीटमेंट वापस दे दीजिए। ऐसे में पूरी तरह से उनकी बात ना मानते हुए लाल बत्ती की जगह उन्होंने झंडी दे दी है, एक स्पेशल झंडी जिस पर बड़ा बड़ा एमएलए लिखा होगा। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञान चंद गुप्ता इस फैसले को मंजूरी दे चुके हैं। इस नए नियम के साथ विधायकों को नई पहचान मिलने वाली है, इसलिए उनमें पूरा हर्ष और उल्लास का माहौल है। सरकार ने कुछ नियम तय किए हैं ताकि स्पेशल झंडे का गलत फायदा ना उठाया जाए, जैसे कि एमएलए की गैर हाजिरी में झंडे का उपयोग करना मना है। स्पीकर ज्ञानचंद का कहना है कि स्पेशल झंडे से पुलिस और आम जनता को एमएलए की पहचान करने में आसानी होगी। 2017 में मोदी जी ने ट्वीट कर कहा था कि हर भारतीय खास है, हर भारतीय वीआईपी है। तो हम ये मोदी जी से पूछना चाहेंगे कि क्या 3 साल में आम जनता कम स्पेशल हो गई, या फिर आपके मंत्री आपके लिए ज्यादा खास हो गए? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। थोड़े ही समय में आपको सड़कों पर एमएलए की झंडी वाली गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी, और ऐसा थोड़े ही समय में हो जाएगा, क्योंकि कोई सोशल वेलफेयर स्कीम तो है नहीं जिसको लागू करने में टाइम लगे। देखो भाई, हमें तो कोई लाल बत्ती या झंडी चाहिए ही नहीं, आप बस ये राइट में लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिएगा, हम इतने में ही बहुत खुश हो जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज को हमें जरूर बताइएगा, और देखते रहिए हरियाणा मीडिया। धन्यवाद।